औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कोरल ड्रा जो एक थोड़े बहुत टूल्स रह गए थे वो अब हम कवर कर लेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल भी क्लासेस जारी है। तो सबसे पहले आपने कोरल ड्रा वर्जन 12 ओपन कर लेना, कौन सा भी वर्जन कर लें, लेटेस्ट कर लें। तो आज हम चलते हैं शेप की तरफ। ये आप कोरल ड्रा ओपन किया हुआ मैंने ऑलरेडी, तो इधर हम शेप करेंगे। इधर से हमने शेप सेलेक्ट की, और ये हमने फ्री हैंड टूल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फ्री हैंड टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अब मैं इधर कहीं भी या इधर स्क्रीन के बाहर या इधर भी, अब ये देखिए मैं फ्री हैंड टूल से माउस की मदद से ड्रैग कर रहा हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करते जाएंगे आप, और ये कोई भी शेप, जैसे ये बादल बन गए। अब इसको कलर करना है तो आपने ये ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, तो फ्री हैंड टूल से हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। अब एक और शेप ड्रा करते हैं फ्री हैंड टूल से, ये फिर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। अब ये फिर आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको फिर से फ्री हैंड टूल, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हाउस टाइप बना लूँ मैं। ये देखिए ये हाउस टाइप बन जाएगा। इस पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक ये बनेगा हाउस। फिर आपने फ्री हैंड टूल ले लिया क्योंकि वो कर्व हो चुका है। ये देखिए ये अलाइनमेंट बिल्कुल आपने सीधी रखनी है। ये देखिए अब इस पे भी आप कलर कर लें। अलाइनमेंट टूट गई हुई है, इस पर आप कलर नहीं होगा, इसको आप अनब्रेक करेंगे तो फिर ही कलर होगा। इसको डिलीट करते हैं, एक और शेप बनाते हैं। ये देखिए इस पर आप कलर करें, इस पर हो जाएगा, ये रेड कलर कर दी। तो फ्री हैंड टूल आपने यूज़ करना है, फ्री हैंड टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई लोगो बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक किया है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जजाकल्लाह।